everyone. I am Mahlij, and welcome to my Facebook or wherever you're watching me. Mera naam hai Mahlij. Salam, sat sri akal. Namaste, adab. Mera naam hai Mahlij, aur agar aap mujhe dekh rahe ho, to aap mujhe Facebook live pe dekh rahe hoge, ya aap mujhe ab mere YouTube channel pe dekh rahe honge. So, jahan bhi aap mujhe dekh rahe hain, make sure ki aap us page ko like karein aur us channel ko subscribe karein, okay? Yesterday, I was trying to take my mind off. Main idhar udhar wander kar rahi thi. Maine kaha, you know, main dekhti hu ki kya ho raha hai, kya nahi ho raha hai duniya mein. To koi isko gaaliyan de raha tha, to main aapko ek clip dikhati hu, theek hai? And is clip pe phir baat karte hain. ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं पांच लड़कों के साथ गई थी. सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस. ऑफ कोर्स, या यू हैवंट टाइड दिस होल पर्सन डाउन एंड से कि ओ आई एम इन अ रिलेशनशिप विद यू, तो तू अगर जाके चीट करेगी तो मैं ये सब करूंगा. मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद यू. चेक योर सेल्फ फर्स्ट. अगर वो वहां जाके चीट कर रही है, मे बी शी वॉज फीलिंग थ्रेटन्ड बाय यू. Maybe you are not providing physically, mentally, emotionally, whatever she needed. Don't say ki main sab karta tha. Fucking right. Nobody gives you the fucking right to slap a girl. Ma'am, I still read it. Maine wo bhi likha hai. It was completely. Aur kya karta tu aage jaake? Kya karta uske saath? Main kuch bhi nahi karta. Abhi to bola hai na? Abhi to ne bola hai ki nahi bola hai? Maine usko ek chaata mara. That was an impulse. Aur bhi bahut kuch kar sakta tha. नहीं मतलब पॉजिटिवली कर सकता, चाटा नहीं मारता, कुछ और कर देता. तो चूतिया किया क्यों नहीं पॉजिटिवली? मैं वो इंपल्सिव डिसीजन था बहुत, और पांच लड़के थे. बहुत गुस्सा चढ़ रहा है मुझे. मेरा भी इंपल्सिव डिसीजन कुछ भी हो सकता है अभी. पर तूने बोला मैं उसको अब्यूज कर सकता था, उसको घर लेके जाता. तूने नहीं बोला कि पॉजिटिव करता कुछ मैं. सर तूने ओके सो सबने देखा है वीडियो, मैंने भी देखा. लेट्स डिस्कस दिस. क्योंकि उसने कहा इसमें कि इट्स हर चॉइस. ओके फर्स्ट thing that we're going to talk about is ke I agree with Neha, theek hai, I agree with Neha Dupia ke nobody should ever hit a woman or a man. Physical abuse is not acceptable. Physically aap kisi pe haath nahi utha sakte, chahe wo mard ho chahe wo aurat ho, theek hai. Ye main pehle bhi keh chuki hu aur is baat pe main Neha se agree karti hu. दूसरी चीज, मैंने पहले भी इस बात पे मैं कर चुकी हूं कि हम लोगों ने उस पर बात किया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे, राइट. आ गई के मेरी मर्जी, माय चॉइस, कि उस लड़की के पांच बॉयफ्रेंड्स और ये छठा बॉयफ्रेंड था. तो मैं वेस्ट में रहती हूं, 20 साल से रह रही हूं. मिस नेहा दुपिया, मेरा नाम महलीज है, ये मैसेज प्लीज उन तक पहुंचाना अगर पहुंच जाए तो. मैं वेस्ट में रहती हूँ, 20 साल से रह रही हूँ, और यहां पर भी अगर कोई लड़की, अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में ही ना हो, यू नो, कोई भी लड़की अगर उसके दो तीन चार बॉयफ्रेंड्स होते हैं तो उस बंदे से वो एक्सेप्ट, इट्स लुक्ड डाउन अपॉन. ये चीज यहां भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप चार पांच छह बॉयफ्रेंड्स एक साथ रखो. ये मैं एक बात आपसे कह रही हूं कि ये वेस्ट में भी इस चीज को बुरा माना जाता है. ओके अगर वेस्ट में ये है कि अगर मैं, मुझे बॉयफ्रेंड मिला है, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में जा रही हूं, उसके साथ हम पहले ही बात कर लेते हैं कि ठीक है, हम लोग एक दूसरे के साथ अकेले नहीं है, आई एम गोइंग टू गो डेट अराउंड, और आप भी जाके डेट करो, ठीक है ना, तो वो समझ में आती है वो बात. और रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं, चंद मैरिजेस भी ऐसी होती हैं जो ओपन मैरिजेस होती हैं. मगर अगर आप एक बंदे या बंदी से कह रहे हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही हूं, मैं तुम्ही से प्यार करता हूं या करती हूं, और आप उसको फिर चूतिया बनाओ, ठीक है ना, पीछे पांच और रखकर चूतिया बनाओ, और फिर बाद में उस बंदे को पता चलता है कि आप उस पर चीट कर रहे हो. धोखा, ये धोखा होता है, ये चॉइस नहीं है, ये धोखा है. अगर तो वो लड़की पहले से उसको कहती कि भाई मेरे पांच बॉयफ्रेंड्स और हैं, छठे तुम हो, तो ठीक है, तो समझ में आती है बात. मगर ये छुपाना, इसको कहते हैं धोखा, ये चॉइस नहीं है. प्लीज आप फेमिनिज्म का जो ये नया जो रंग लेकर आए हैं ना, मैंने उस दिन भी इस चीज से बात की थी कि दिस इज द न्यू वेव ऑफ फेमिनिज्म विच आई एम अगेंस्ट. मतलब औरत की चॉइस का ये नहीं है कि आप चार चार पांच पांच बॉयफ्रेंड्स रखकर इस तरह से धोखे दो. डोंट, प्लीज फेमिनिज्म का नाम मत बर्बाद करो.
हम लोग राइट्स इस चीज के लिए नहीं मांग रहे, हम राइट्स मांग रहे हैं अपने लिए, बाहर निकल के काम करने के लिए, जायदाद में हिस्से के लिए। हमें ना रेप करें लोग उस चीज के लिए, हमारी बॉडी को हमारी मर्जी के अलावा ना हाथ लगाएं उन चीजों पर, इन चीजों पर, छोटी छोटी लड़कियों के रेप ना हो उन चीजों पर हम बात कर रहे हैं। बॉयफ्रेंड्स रखना ये प्रायोरिटी नहीं है, ओके? और अगर आपको करना है तो आप करो। दूसरी बात ये कि इन लड़कियों के पास, मैं भी जब 20s में थी, आपके पास टाइम कहां से आता है कि तुम 6-6 बॉयफ्रेंड्स इस तरह से रखती हो, आप लोग मुझे ये बताओ। और ये लड़कियां जो बैठ के फेमिनिज्म के नाम पे नंबर वन बैठ के क्लेम करती हैं, आप टॉप वन बैठ के नंबर वन उस पे क्लेम करती हो, आई कैन बेट यू कि ये लड़की जिसने 6 बॉयफ्रेंड्स रखे हुए थे, वो बंदी एक दिन घर से बाहर निकल के उसने काम नहीं किया होगा, क्योंकि वो 6 बॉयफ्रेंड्स इसी वजह से रखे हैं, एक रेंट पे करेगा, एक फोन पे करेगा, एक गाड़ी का बिल पे करेगा, एक शॉपिंग कराएगा, एक कुछ और कराएगा, राइट? इसी वजह से रखे होते हैं। तो प्लीज, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है, फेमिनिज्म मीन्स कि हम अपना कमाते हैं, हम बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, वी आर इंडिपेंडेंट वुमेन, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मैन, ओके? कि हम 4-4, 5-5 बॉयफ्रेंड्स रखकर उनका खाएं और फिर कहें हम तो बड़े फेमिनिस्ट हैं। देयर इज नथिंग अबाउट फेमिनिज्म ऑन दैट पार्ट। तो जिस तरीके से इन्होंने उस बंदे को उस वक्त गालियां दी हैं, तीसरी बात यह है कि देखो भाई, जब आप किसी से प्यार करते हो, राइट, और वो बंदा या बंदी आप पे चीट करता है ना, और आपका दिल यूं करके चीर जाता है उस वक्त, ओके? ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं, यहां भी देखे हैं वेस्ट में, कि जब मियां बीवी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ ऐसा होता है तो एक दूसरे को जान से मार भी देते हैं लोग, ओके? क्योंकि इतना दर्द होता है, और डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह के बंदे हो या बंदी हो, आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हो। उस बंदे ने तो सिर्फ, आई एम वेरी मच अगेंस्ट फिजिकल वायलेंस, ओके? फिजिकल वायलेंस मुझे नहीं पसंद है, मगर अगर मैं किसी के साथ होती, किसी बंदे के साथ, और उसकी 5 और गर्लफ्रेंड्स होती, तो मैंने भी उसको ना उठ के, उसने तो चमाट मारा था, मैंने तो उसके उठ के उसको डंडे से मारना था या डंडा उसके अंदर दे देना था, ये मैं करती, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट। और ये मेरे साथ हो चुकी है ये चीज। नेहा जी, नेहा जी से मैं ये क्वेश्चन करूंगी कि नेहा जी, आपको कैसा लगेगा कि आपका अभी बच्चा है, नया बच्चा है, नई फैमिली है, आपको पता चलता है कि आपके हस्बैंड के जो है 3 और गर्लफ्रेंड्स हैं साइड पे, आपको कैसा लगेगा, आपका दिल क्या करेगा कि आप उनको चमाट नहीं मारो, आप बस चुपचाप होकर आप डिवोर्स लेके बैठ जाओगी, आपका दिल क्या करेगा उस वक्त? उस वक्त उस बंदे के जो समझ में आया उसने वो किया। जब मुझे पता चला था कि माय एक्स वाज चीटिंग ऑन मी, जस्ट लेट्स जस्ट कीप दैट क्वाइट, ओके? क्योंकि आपको उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक यू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस। सो फॉर यू टू कम आउट एंड से ओ इट्स हर चॉइस एंड मेक ऑल अस वुमेन लुक बैड कि हमें सिर्फ 4-5 बॉयफ्रेंड्स ही रखने, तो प्लीज नो, आई लिविंग इन वेस्ट विल नॉट सपोर्ट योर स्टेटमेंट। आई विल सपोर्ट कि यस, फिजिकल वायलेंस इज नॉट द वे, और इस तरह नहीं करना चाहिए, मगर कभी कभार ऐसी औरतें और मर्द होते हैं जिनको ऑनेस्टली दिल करता है कि करके ना चमाट लगाना चाहिए उनके, या उनके डंडा दे देना चाहिए। थैंक यू आमना फातिमा, थैंक यू, थैंक यू। सो दैट इज माई मैसेज टू दैट वायरल होल थिंग दैट वेंट ऑन देयर। एंड आई थिंक ये औरतें जो हैं फेमिनिज्म के नाम पर ऑनेस्टली धब्बा है, तुम लोग जो हो फेमिनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रही हो।